लोगों को आगे मेरे लिए मतदान करने के लिए प्रेरित करें, इतना मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है। जनता के बीच में आम आदमी के मुद्दे हैं, जिस जो आम आदमी की पीड़ा है वो व्यक्त नहीं कर पाता है, उसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूँ। जैसे आपने हाईकोर्ट की बात करी जी सर, किसानों की बात करी, बाइक की बात करी, पटरी वालों की बात करी जी, सर आप सत्ता में आएंगे एक दिन के लिए कहीं ना कहीं सर, अभी फिर से वही मैं रिपीट कर देता हूँ, तुम एक सीट जिता दो 202 बना दूंगा, थोड़ा वक्त तो दे दो अपनी सरकार बना सबको, सबको मैनेज कर सकते। एक बार घोषणा पत्र अपना बता दीजिए, घोषणा पत्र रिपीट कर दीजिए, घोषणा पत्र दिखा दे सर, रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर बोलिए। राष्ट्रीय हित में राजनीतिक पद पर संभालने वाले लोग, जैसे कि सांसद हो गए, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो गया, उसको तभी तक वेतन दिया जाएगा जब तक कि वो उस पद पे कार्यरत होगा। पद जैसे 5 साल में पद चला गया तो उसको कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। दूसरा मुद्दा है सर, आयकर दाता जो भी आयकर देता है उसी के बेसिस पे उसको पेंशन स्कीम और हेल्थ इंश्योरेंस कवर आफ्टर 55 ईयर्स दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा है साहब, न्योड़ा की भूमि को फ्री होल्ड कराना। चौथा मुद्दा है गौतम बुद्ध नगर में हाई कोर्ट की स्थापना करवाना। पांचवा मुद्दा है जो भी न्योड़ा के प्लॉट है उसमें 25% तक कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अलाउ करवाना। छठा मुद्दा है बहुमंजिला इमारतों की रजिस्ट्री करा देना, भले ही बिल्डर ने पैसा दे रखा है न्योड़ा अथॉरिटी को या नहीं दे रखा है। सातवां मुद्दा, जो परियोजनाएं बिल्डर के माफिक आधी अधूरी में पड़ी है उन सबको न्योड़ा अथॉरिटी कंप्लीट करे, क्योंकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है और बायर को उसका अधिकार और उसका हक दे। आठवां मुद्दा, न्योड़ा प्राधिकरण में जो 2.5% ठेके पे पद्धति पे जो संविदा पे काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को डायरेक्ट न्योड़ा अथॉरिटी से जोड़ना और उनका अधिकार और उनका हक देना। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से बस एक ही अनुरोध है, कृपया कर स्वयं के लिए मतदान करें, कुछ ऐसा करें कि आप अपने आने वाली बच्चों को कुछ ऐसी व्यवस्था परिवर्तन देके जाए जिसपे आपको भी हार। धन्यवाद।